हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, योर बॉय यूबी इज बैक विद अनदर व्लॉग। तो उम्मीद करता हूँ कि यार आप सब खैरियत से होगे और एंजॉय कर रहे होगे अपनी लाइफ को। तो यार आप सब को सबसे पहले मैं टाइम दिखा दें तो फिर आगे का सीन बताता हूँ। अभी जो टाइम हो रहा है वो 8:10 हो रहे हैं सुबह के, और आप लोग ये सोच रहे होगे कि यार लड़का इतना तैयार होकर जा कहाँ रहा है। तो यार अभी मैं उठा था, फजर की नमाज़ पढ़ी है मैंने, तो साथ ही ना हाफ़ा साहब को और मोइस भाई का मैसेज आया कि यार सुबह सुबह उठ गए हैं, बोर हो रहे हैं तो क्यों ना कहीं जाया जाए। मैंने कहा चलो यार मैं तो तैयार ही तैयार हूँ। तो अभी एक नमूना हमारे पास आ चुका है, इधर आओ नमूने, इधर आओ, शक्ल दिखाओ कैमरे में अपनी। एक नमूना हमारे पास तैयार होके आ चुका है, अस्सलाम वालेकुम, और दूसरे का भी इंतज़ार कर रहे हैं। और अभी जो थिएटर हो गया ना, आपको क्या बताएं भाई। मैं आपको थोड़ा बहुत सीन बताता हूँ। हम सुबह सुबह यहाँ पे आए तो मोइस ने हमें कहा हुआ था कि मैं सो रहा हूँ ना तो मुझे घर से उठा लेना, तो इसलिए मुझे सुबह सुबह मैसेज करके ना कहीं सो गया है फजर के बाद। तो हम इसका इंतज़ार करते थे कि शायद उठा हुआ, क्योंकि इसके मैसेज आए हुए थे। तो अभी जब हम इसके घर के बाहर आए हैं तो देखा इसके घर के बाहर कुंडी लगी हुई है माशाल्लाह से। तो सबसे पहले हमने कहा यार अब क्या किया जाए, हम काफ़ी देर इंतज़ार करते हैं, इसके घर से कोई भी नहीं निकला। तो मैंने सेफ को कहा यार यार दरवाज़ा पीट ज़रा ज़ोर ज़ोर से, क्या पता कुछ निकल ही आए। इसने दरवाजे को यूँ ज़ोर से हिलाया, कुंडी खुल गई। कुंडी खुल गई भाई, कुंडी खुली। मैंने उसे कहा ये क्या किया तूने, कह रहा मैंने तो ज़ोर ज़ोर से हिलाया खुंडी कुंडी खुल गई। मैंने कहा जा मोइस को देख किया। फिर ये उनके घर में अंदर गया, सारे सो रहे थे। अब शुगल सुनो, ये क्या इधर हो ना, तुम पास हो ना, तुमने शुगल किया है। ये भाई ये बंदा अंदर गया है और उनके कमरे में गया, इसने जाके देखा है कि वो मच्छरदानी से बचने के लिए यार वो तो नहीं आती जो भी चीज़ होती है, वो टेंट सा लगा हुआ था ना, तो इसने समझा कि मोइस उसमें लेटा हुआ है। तो इसने मुझे आके बताया कि मोइस तो सो रहा है। मैंने कहा जाओ उसे जगाना पागल, वापस क्यों आ गया। आगे से मुझे कहता है कि चलो मैं जाता हूँ। ये अंदर गया, दोबारा दरवाज़ा खोला, जब नज़र पड़ी ना इसकी, वो उसके अबू सो रहे थे। उसके अबू सो रहे थे, तो कहता मैं जगाने लगा, मेरे एकदम उसको देखा उसके तो उसके अबू है, फिर भागता हुआ बाहर आ गया। उसने मुझे स्टोरी आगे सुनाई, फिर मैंने उसे कहा चल दोबारा जा, जाके देख किसी और कमरे में ना सो रहा हो। फिर किसी दूसरे कमरे में गया, उधर मोहित साहब लेटे हुए थे, अब उसको जगाया। तो अभी देखते हैं कितनी देर में मोहित साहब तैयार हो गया आते हैं और फिर निकलते हैं आगे। ये आ चुके हैं हमारे मोहित भाई, और मोहित भाई इधर आओ, शक्ल दिखाओ अपनी। और यार इनका मुझे सुबह में क्या मैसेज आया था यार, आप लोगों को आप खुद बताओ ज़रा। यार हम लोग बहुत बोर हो रहे थे तो हाँ। मैंने सोचा कहीं चलते हैं, तो मैंने उमेर को मैसेज किया चलाओ आज कहीं हमें बाहर ही घुमा लाओ। और तुम्हें पता है इसने सुबह क्या किया, इस नमूने ने वो मैंने इस व्लॉग के शुरू में बताया, तुम सुनना ज़रा। चलो यार चलते हैं, मिलते हैं रास्ते में। हवाई में कह रहा हूँ ना मजा आएगा। रोज गार्डन नाम है, रोज गैरेज था, अच्छा गार्डन ही था। कौन है ये लोग? गो। तो यार अभी मैं इन लोगों को एक जगह पे लेके आ चुका हूँ, अगर कैमरा मैन दिखा सके तो। यार इस पार्क का नाम है रोज गैरेज, और ये हमारे कॉलेज के बिल्कुल साथ ही लगता है, तो इसलिए मुझे पता, वरना मुझे भी ना पता होता। लेकिन चलते हैं आपको अंदर रिव्यू दिखाते हैं इसका। बड़ा हरामी हो बेटा। गो। तो यार अभी का सीन ऐसा है कि अभी अंदर एंटर हो चुके हैं, और दो बंदों को हम बहुत मिस कर रहे हैं, एक वाप भी और एक आसान, लेकिन पता नहीं चल रहा मुझे क्यों। मुझे तो मिस नहीं होता बस जी ऐसे तो नहीं होता है। अब सुकून है, सुकून सुकून है यार, बहुत अच्छी जगह है यार ये, और बहुत यार मैं क्या बताऊँ। अगर आप लोग सुबह सुबह यहाँ पे आओ वॉक करो तो बहुत सुकून मिलेगा, और सामने आपके लिए झूले भी हैं जिसपे सेब अभी थोड़ी देर बाद ना वो करेगा ना क्या स्लाइड करेगा, क्योंकि इसे बहुत शौक है। तो यार ये पानी ये दिखाओ जरा, ये क्या हुआ है यार, इधर पानी डाल दो यार, इतनी अच्छी जगह बर्बाद कर दी है यार, ये तो इतनी अच्छी जगह को बर्बाद कर दी है। सेब तुमने यहाँ पे कुछ कर तो नहीं दिया था? हाँ नहीं, तुम्हारी कारनामे हो सकते हैं ऐसे।
ये मोहित साहब को देखो ना, डुबकी लगाने जा रहे हैं, पानी आई नहीं अंदर भाई, तुम्हारा टोम एंड जेरी वाला हाल ना हो जाए। मुआयना करने दो। किस चीज का? क्यों तुमने इसमें पानी डलवाना है? आपसे पता लगाऊं मामला क्या है? सीआईडी कब से ज्वाइन कर लिया था? चलते यार, अभी मॉर्निंग वॉक ही करने आए तो थोड़ी बहुत वॉक करते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या क्या सीन है। ये हमारा एक नमूना आ चुका है। देखो देखो कालू मदारी आया। तो अभी आ रहे हैं जो है ना सेफ, सब जा रहे हैं झूला लेने और मोहित भाई उनकी मदद करा रहे हैं। बच्चे बन गए भाई, मजा आ बच्चे बन गए। वो एक और दफा जा रहा है, उसकी हालत देखो। कालू मदारी आया, कालू मदारी है भाई, बहुत थिएटर लग रहा है यार। सुबह सुबह ही बहुत शुगर लग चुका है। क्या ये छोटा वाला? हाँ छोटा वाला, वैसे सेहत तुम्हारे लिए ज्यादा सही रहेगा। सही बता रहे हैं क्या? ये ज्यादा अच्छा? नहीं नहीं ये ज्यादा अच्छा रहेगा भाई, क्या हो गया? ट्राई तो करो ना यार, तू उस पे यहीं से चढ़ जा ना, ये तो छोटा सा है, यूं भागता हुआ चढ़ जा, सही बता रहा हूँ। काला अपना भालू लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की धुन पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन, स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन, देख के तेरे करता। बंदर तेरे मामा पहन पजामा, रास्ते में छोड़ दिया गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये लोग शुरू में मुझे कह रहे थे कंगी करे, हम लेट हो रहे हैं, आप अपने हालात देखें। अरे तुम बदल ले रहे हो हैं? ये देखें, ये देखें 360 के एंगल पे, ये देखें आपके यूबी भाई, ये भी पार्ट टाइम जॉब करते हैं। 50 रुपए फी बच्चा। मस्त जोक मारा रे। आज की छोटी सी वीडियो, और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। तब तक लिए मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चोर है जो मुइस को उठा के लाओ। खिले का छिलका उठाया मैंने। हुआ क्या है? केले का छिलका मारा। पीछे ने हजार मेरा रग रग से ना रिलेशन नहीं, ना आज कोई है ना कल कोई है, तेरे यार ना कोई कॉम्पिटिशन।